अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसी खातून मौजूद हैं जो अकेले रह गई हैं, और ये अकेले क्यों रह गई हैं ये मैं आपको बताता हूं कि इनके 3 बेटे थे, 2 बेटियां जी, और शोहर जो हैं वो भी इंतकाल कर गए, 3 बेटे थे वो भी इंतकाल कर चुके हैं, 2 बेटियाँ हैं जिनमें से एक के हस्बैंड भी इंतकाल कर चुके हैं। 50 साल से ये लोगों के घरों में काम कर रही थीं और अभी भी कर रही हैं, लेकिन घरों में काम कर कर के इन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुसर बसर जो भी किया, जो भी मामला थे वो तय किए। अब आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि अब ये काम भी नहीं कर सकती, 70 साल इनकी उम्र हो चुकी है, और इनकी जो बेटियां हैं वो भी इधर घर पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि ताकि इनको ख़र्चा ना करना पड़े। जाहिर सी बात है, अगर वो इधर आएंगी, इनके पास पैसे नहीं है, ख़र्चा किस तरह करेंगी? और जिस घर में ये रह रही हैं उनके जो मालिक मकान हैं उन्होंने इनको किराया भी माफ़ कर रखा है, किराया भी माफ़ कर दिया, लेकिन अब ये गुसर बसर किस तरह कर रही हैं ये इन्हीं से ही पूछेंगे। और आज के प्रोग्राम का जो मेन मकसद है, इनकी हेल्प की जाए, इनकी इमदाद की जाए, ताकि ये जो इनकी 70 साल उम्र हो चुकी है, बाकी जितनी भी उम्र है अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, वो आराम से ये गुजार सकें। आइए तारुफ़ करवाते हैं आपा हनीफा से। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, सानू यह दसो कि हालात पेश आए ते किराया भी नहीं तुहाडे को मालिक मकान लैंदे? नहीं, नहीं लैंदे, 6-7 महीने हो गए, बिल भी नहीं लैंदे। अगे मैं मेरी गासम में ठीक ठाक काम करती थी, बिल्कुल ते किराया मैं 5-6 तरीक होनी ते मैं किराया दे, किराया भी देना, बिल भी देने, आपके घर भी सोहनी रोटी पका के खानी। हूँ मेरी गासम हालात ही ऐसे बन गए ने, तो मैं करा की? बिल्कुल बिल्कुल, हूँ मेरी जान नहीं, ये जान नहीं वारा। ये भी एक मजबूरी है जो आप सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये भी एक मजबूरी है। मजबूरी, मैं सारी जिंदगी कभी मेरी गास नहीं करके ना किसी के नाल नहीं गई, कभी मैं किसी के घर नहीं गई, मैं अपनी मेहनत करके हक लाल दी तो मैं बच्चे पाले ने, सामभे ने, जवान किते, मैं किसी को तंगी नहीं दी, तकलीफ नहीं दी। बिल्कुल, घर मेरा ये हुई है, मैं कितने नहीं गई, भी शक दी अंदर वाड़ के वेख लो। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे जे मैनू थोड़े अगे कह दी, हूँ जे अके कंजरी नचण लग पई सी तो उन्हें आख्या शर्म कह दी रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, की आना मैं हूँ थोड़े तो कहड़ियाँ गल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हलाल कमाया, हलाल खिलाया। अच्छा खाला जी, मैनू यह दसो कि 3 बेटे सी, 3 फोत हो चुके, क्या मामला पेश आए उनके साथ, किस तरह वो गो तो गिरया वड्डा जड़ा से, वो तो छोटा जड़ा उन्होंने अटैक होया, वो तो छोटा उनका एक्सीडेंट हो गया, जा रहा से। यानी कि जब वो थे आपका गुसर बसर बेहतरीन अच्छा हो रहा था, कि उनके जाने के बाद ये हालात पेश आए? बड़े पेश आए, बहुत पेश, जिन्हें तो जिन्हें तो आखे ना उन्हें पेश आए। लोग आपके साथ हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे अभी? आधे जिन्होंने मैं कारोबार कर दी सा, जिन्ना किसी तफीक है पुजदा सरदा की रोजिया च दे दिता, कपड़ा लीड़ा दे दिता, तन काज दिता, कोई आटा दाना दे दिता, और कुछ भी नहीं। अब आखिर में हुकूमते वक्त से क्या वो मैसेज देना चाहती हैं उनको, क्या गुजारिश करना चाहती हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? मेरी बेटे ये अर्ज है भी मेरी हेल्प करन। बिल्कुल ठीक है ना, मैं किराया भी देवा, मैं बिल भी उन्हें मालिका नूं देवा, ते आदि मैं मेरे को दवाइयां शवाइयां जड़ियां ने कोई इन्हां दा कोई मसला हुंदा रहे। यानी कि मेरी किसी का मोहताज होके नहीं जीना चाहती? नहीं, मैं नहीं जीना चाहती, मैं सारी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं कमाया है, मैं आदा मर्दा तरह। तो ये सारी दवाइयां कौन आपको लेके देता है? केड़ा दवाइयां? ऐ मेरे मालिक मकान जिन्ना दा मैं काम करनी है। माशाल्लाह, यानी कि उन्होंने आपको फुल सपोर्ट? हां, वो मेरे बड़ी प्यार करदे ने, हालांकि कुड़ी है, माशाल्लाह 3 उनके बच्चे ने, ते माशाल्लाह बड़ी दीद करदे ने मेरी, बड़ी सैयद ने, ते मेरा बड़ा प्यार करते हैं, माँ माँ वो भी इन्ना तरह ताडे तरह बच्चे भी मेरे बच्चे ने। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमारे साथ
आपा हनीफा मौजूद थीं जो 50 साल लोगों के घरों में काम करती रहीं, लेकिन आज इन पे ऐसा वक्त आन पड़ा है कि इनको लोगों की इमदाद की ज़रूरत पड़ गई है। और उम्मीद है, इनका नंबर नीचे चल रहा है, लोग इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन करेंगे। इनके मालिक मकान भी इनके साथ पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा तआवुन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपा हनीफा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन करेंगे। इनका नंबर भी हम नीचे दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।